गुड मॉर्निंग एंड व्हाट्सअप गाइस, वेलकम करता आप सभी लोगों का फ्री फायर की एक और एक्साइटिंग वीडियो में। तो भाई लोग, आप सभी को पता है कि हम लोग गेम के अंदर जो हम लोग के न्यू इलाइट फर्स्ट आने वाला है, यानी कि हॉकी वाले जो हम लोग के इलाइट फर्स्ट आने वाले सीजन 18 का, तो इसका फाइनली जो हम लोग यहाँ से प्री रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है, प्री ऑर्डर जो हम लोग वही स्टार्ट हो चुका है। साथ ही साथ हम लोग गेम के अंदर एक न्यू फीचर है, गेम के अंदर मतलब इलाइट फर्स्ट के अंदर न्यू फीचर है जिसका नाम है सब्सक्रिप्शन। तो आज हम आपको इस वीडियो में जो हम लोग इलाइट फर्स्ट का प्री ऑर्डर है वो करके दिखाएंगे, और साथ ही उसमें जो ग्रेनेड की स्किन मिलेगी तो वो हम आपको लेके दिखाएंगे, उसको जो मतलब किस तरीके से वो दिखता है, उसका जो डिज़ाइन क्या है और कितना उसका चारों तरफ से हाइट है, तो हम टोटल आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, और सब्सक्रिप्शन जो न्यू फीचर आया है उसका भी एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो उससे पहले बता दें कि चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में जो बेल आइकन आएगा उसे प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि फ्री फायर गेम से रिलेटेड जितना भी अपडेट्स या फिर कोई भी इवेंट होता है मैं आप लोगों को फुल डिटेल्स के साथ बताने की कोशिश करता हूँ। और गाइस, इसके बाद मतलब हम लोग इसका जो फुल रिव्यू वो भी करने वाले हैं कि आपको इलाइट फर्स्ट किस तरीके से दिखने वाला है। हालांकि आप लोग देख चुके होंगे ऑलरेडी, बट फिर भी यहाँ से आपको दिखा दो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं देखे होंगे, या फिर अगर आप प्री ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपको मतलब अगर आप इलाइट फर्स्ट को देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग जो नेक्स्ट इलाइट फर्स्ट है वो किस तरीके से दिखता है। अगर आपको ज़्यादा डायमंड है तो वो आप उस ग्रेनेड की स्किन को लेने के लिए प्री ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो अंदर के बाद भी आपको जानना बहुत जरूरी है कि हम लोग सिर्फ प्री ऑर्डर से हम लोग तो ग्रेनेड मिल जाएगा, बट हम लोग जो इलाइट फर्स्ट आने वाला है उसमें बंडल्स किस तरीके होगा, उसमें कौन कौन सा चीज़ दिया जाएगा, उसका लूट बॉक्स किस तरीके से होगा, ये सब जानना भी आपको बहुत ही ज़रूरी है प्री ऑर्डर करने से पहले। तो मेरे को पता है बहुत से वही कम वैसे लोगों के जो यहाँ से प्री ऑर्डर करेंगे, तो उससे पहले हम चलते हैं यहाँ से डायमंड सेक्शन पे, क्योंकि मेरा डायमंड है बहुत ही कम है, 478 डायमंड है जो यहाँ पर मेरा काम नहीं होगा, तो मेरे को यहाँ से परचेज करना होगा। कितना का भाई? 400 का, तब जाके इतना कितना होगा। हाँ चलो भाई, हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से 999 डायमंड यानी कि 1000 डायमंड मेरे को यहाँ से लगेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। अरे भाई फिर भी होगा 78। अरे भाई फिर भी नहीं होगा यार, मतलब कितना डायमंड मेरे को लग जाएगा, 498। एक डायमंड फ्री कम पड़ेगा, देखते हैं फिर से वो कोटा सबसे मेरे को करना होगा एक और, तो पहले यहाँ से कर लेते हैं 400 वाला। यार डायमंड का रेट भी इन्होंने इतना ज़्यादा कर दिया ना, मतलब इलाइट पास के लिए इतना सारा डायमंड पे करना मतलब बहुत ही ज़्यादा टेंशन लगता है भाई, इतना कम नहीं होता है। 999 डायमंड देख पा रहे हैं, एक पर यहाँ पर से मेरा 998 डायमंड हो गया, तो मैं ऐसे ऑर्डर नहीं कर सकता, मेरे को एक डायमंड और टॉप अप चाहिए। तो भाई लोचा वाले बात है यार, वहाँ से मैं करूँ कि यहाँ से, चलो भाई यहाँ से यहीं से मैं कर लेता हूँ, देखता हूँ यहाँ से मेरे को मिलता है नहीं मिलता है, मतलब बैलेंस तो मेरे ख्याल से खत्म हो गया, उतना बैलेंस है नहीं मेरे अकाउंट पे। तो फाइनली मेरा ऐसे बैलेंस हो चुका है, शॉर्ट टर्म चलते हैं यहाँ से जो कोटा सब है वहाँ से टॉप अप करके आते हैं, आप थोड़ा सा वेट कर लो यहाँ पर। सो गाइस, फाइनली मेरे यहाँ से टॉप अप जो हो चुका है कंप्लीट, और मेरे पास जो डायमंड है वो है 1048 डायमंड। तो उससे पहले देख लेते हैं यहाँ पर कुछ रेड टैप का आया, तो यहाँ से मेरे जो स्किन था पेट की, तो यहाँ फाइनली मेरे को यहाँ से पेट का स्किन मिल चुका है, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा शानदार लग रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फेट स्किन बैटल फॉक्स, तो वो हम लोग का सिल्वर फॉक्स है, बैटल फॉक्स यहाँ पर इसकी स्किन है, तो फाइनली मेरे को यहाँ से अनलॉक हो चुका है उसका बैकपैक, और मैंने वहाँ से पेट की स्किन ऑलरेडी ले चुका था, तो यहाँ से मेरे को स्किन ये वाला मिल गया। तो मैंने वहाँ पर से 150 डायमंड का टॉप अप करा था। अब हम लोग चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, आते हैं यहाँ से हम लोग इलाइट फर्स्ट को यहाँ से करते हैं हम लोग प्री ऑर्डर, देखते हैं यहाँ से इसका जो ग्रैंड की स्किन मिलती है वो किस तरह की दिखता है, उसको तो हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसका जो क्या बोलते हैं उसको सब्सक्रिप्शन का उसके बारे में उसका हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। और सबसे पहले इसका सब्सक्रिप्शन का ही एक्सप्लेन कर लेते हैं कि हम लोग का मतलब सब्सक्रिप्शन है क्या। तो गाइस यहाँ से आपको मतलब ये बताया जा रहा है, सब्सक्रिप्शन जैसे आपको पता है कि हम लोग वीकली मेंबरशिप लेते हैं फिर मंथली मेंबरशिप लेते हैं, तो वो हम लोग का सब्सक्रिप्शन होता है। हालांकि आप लोग को पता है बट फिर भी जो लोग नहीं जानते उसको बता देता हूँ कि सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है, कि आपको अपना अकाउंट जो है इसमें ऐड करना होता है, आपका जो गूगल अकाउंट होता है ना उसे आपको यहाँ से ऐड करना होता है, जिस जीमेल अकाउंट में आपको बैलेंस रहता है उस अकाउंट को यहाँ से ऐड करना होता है। उसके बाद गरीना क्या करता है, पर मंथ जैसे आपको यहाँ पर प्री ऑर्डर का ऑप्शन आता है वहाँ पर से अगर आपके अकाउंट में बैलेंस रहेगा ना, बैलेंस रहेगा तो वो आपका अकाउंट से पैसे काट लेगा। आपके यहाँ पर से आईडी पे डायमंड रहे या ना रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आपको डायरेक्टली पैसे कटेगा आपके अकाउंट से। तो इससे आपका बेनिफिट क्या, कुछ नहीं, सिंपल यहाँ पर से आपको अगर आप 1000 डायमंड लेते हैं तो वहाँ से आपको 800 रुपये का टॉप अप करना पड़ता है, बट यहाँ से अगर आप प्री ऑर्डर करते हैं इसमें आपको 790 रुपये लगेगा, यानी कि 10 रुपये आपको यहाँ पर ये जो है बोनस के तौर पर आपको कम लेगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगर हम लोग 790 रुपये दे सकते हैं तो 800 रुपये भेजक दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप सब्सक्रिप्शन ना लो, और जहाँ तक मेरे को पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सब्सक्रिप्शन लेंगे ही नहीं, क्योंकि सब्सक्रिप्शन फालतू चीज़ है, यहाँ से आपको पर मंथ ही राइट लेना पड़ेगा पर मंथ, और वो ऑटोमेटिक अगर आपके अकाउंट में बैलेंस रहा तो वहाँ से आपका बैलेंस ऑटोमेटिकली कट जाएगा, और यहाँ से आपको जो सब प्री ऑर्डर जो है वो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ से हो जाएगा कंप्लीट। तो आप लोग सब्सक्रिप्शन मतलब अगर आपको लेना ही प्री ऑर्डर करना है तो आप लोग 800 रुपये में 1000 डायमंड का टॉप अप
आप करा लो, वहाँ से आप जो इलाइट पास ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उस सबको डैमेज भी ज़्यादा मिल जाता है, मतलब ओवरऑल अगर बात मिलाई जाती है, एक रुपये का भी फ़ायदा नहीं होता इसमें, क्योंकि उसमें हम लोगों को डैमेज जो उसमें ज़्यादा मिलता है। इसी हिसाब से आपको जो है यहाँ पर से तो सब्सक्रिप्शन लेने कोई मतलब ही नहीं बनते यहाँ से। उसको तो हम लोग करते हैं यहाँ से सब्सक्रिप्शन को प्री ऑर्डर, और देखते हैं यहाँ से कोई मेरे को ग्रैंड की जिसके लिए किस टाइप का दिखता है। तो 999 डायमंड मेरे चला गया तेल लेने भाई। तो फाइनली कॉन्ग्रेचुलेसन, प्री ऑर्डर सक्सेसफुल। ओ भाई साहब, आप देख पा रहे हैं यहाँ से ब्लडी हॉकी ग्रेनेड, तो आप देख पा रहे कुछ इस टाइप से यहाँ पर आपको दिखता है। तो थोड़ा सा मैं इसका स्क्रीन शॉट लेता हूँ क्योंकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। हाँ, तो स्क्रीन शॉट यहाँ से आ गया, सिंपल यहाँ से करते हैं ओके। ओके करने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ से मेरे जो इसका भी एक स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ मैं, कभी काम देगा। करता हूँ इसे क्यूब्ड, उसको चलते हैं यहाँ से हम लोग कहाँ पर भाई, चलते हैं यहाँ से सेक्शन में, कलेक्शन सेक्शन में। कलेक्शन सेक्शन में आने के बाद आपको देखने के लिए मिल जाएगा इस जो दिखता है किस टाइप का दिखता है। तो वेपन में चलते हैं, वेपन में चलते हैं, सबसे लास्ट में आपको दिखेगा यहाँ पर से ग्रेनेड की स्किन। कहीं मेरे को लगा था ये ग्लोबल की स्किन है, बट यहाँ पर से लिखा हुआ था ग्रेनेड की स्किन। तो ग्लोबल की स्किन बहुत ही ज़्यादा आपको गेम के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी, ग्लोबल की स्किन किस तरीके से दिखेगा। तो चलो भाई चलते हैं, कहाँ है भाई, कितने दूर में, ये रहा ग्रेनेड की स्किन। और सिंपल यहाँ से हम लोग करते हैं इसे, अबे यार क्या पागल कर रहा है, दिमाग ख़राब कर रहा भाई। देखते हैं यहाँ से, अबे यार क्या है, ये क्या है यार, मतलब ये ग्रेनेड है, मतलब ग्रेनेड ही है। तो मतलब ये सब अगर जूम करता हूँ तो ये सब कुछ इस टाइप का दिखता है, ये इस टाइप का, बट ये मतलब समझ में नहीं आ रहा भैया आखिर ये मतलब किस टाइप का दिखता है, ये क्या भाई। तो चलते हैं गेम के अंदर, थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं गेम के अंदर कि ये जो दिखता है किस तरीके से दिखता है, क्योंकि यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा। सिंपल अगर हम जूम करते हैं तो कुछ इस टाइप से दिखता है, तो शायद इस टाइप का बनेगा फिर, क्योंकि ये ग्रेनेड है, ग्लू वाल। अब भाई सब ग्लू वाल लेकिन लिखा हुआ था ग्रेनेड, अरे यार आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ ना ब्लडी हॉकी ग्रेनेड। तो ये ग्रेनेड नहीं, ग्लू वाल का स्किन है, ग्लू वाल आपको मतलब जब हम लोग सिंपली ग्लू वाल कुछ आपको यहाँ से प्रीव्यू देगा नहीं इसका। तो ये वाला यहाँ पर से आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा, यहाँ सब देख पा रहे हैं इस टाइप का। तो यहाँ से तो हम चलते हैं फिर भी गेम के अंदर, आपको दिखाते हैं ग्लू वाल जो हम लोग किस तरीके से ग्लू वाल की स्किन दिखता है। लेकिन यहाँ से ग्रेनेड लिखा हुआ, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ ग्लू वाल, फिर यहाँ पर से ग्रेनेड ग्रेनेड क्यों लिखा, और जबकि यहाँ पर भी ये आप देख पा रहे हैं विंटरलैन ग्रेनेड। तो फिर मतलब मेरे को लगता है मिस्टेक से उन्होंने ये कर दिया। और हालांकि अगर आप यहाँ पर फिर, अरे भाई मैंने हटा भी दिया, प्री ऑर्डर के सेक्शन में अगर आप देखते हैं तो फिर भी आपको देखने में बिल्कुल जो है ग्रेनेड के जैसा ही लग रहा था। तो अब हम चलते हैं गेम के अंदर, दिखाते हैं किस टाइप का आपको दिखता है ग्लू वाल। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ गेम के अंदर, मेरे पास है एक ही ग्लू वाल, तो मेरे को चाहिए इससे ज़्यादा ग्लू वाल। तो देखते हैं कुछ बंदा वंदा मिल जाए। ओ भाई साहब वहाँ आगे एक बंदी है, तो पहले देखते हैं इसे। ओ बच गया भाई, थोड़ा सा बच गया था। तो चलते हैं उसके पास, देखेंगे थोड़ा सा उसके पास कहीं ग्लू वाल मिल जाए, क्योंकि एक ग्लू वाल से मज़ा नहीं आएगा, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ग्लू वाल रहेगा तो मज़ा आएगा थोड़ा सा। तो चलते हैं उसके पास, जॉन भी पीछे पड़ा हुआ है एक तरफ से ही। चल भाई फटाफट दौड़, एक और कर लेते हैं मेडिकिट। वैसे मेरे पास मेडिकिट में मतलब ज़्यादा एच पी आएगा इस पर, क्योंकि मेरे पास जो पेट है ना सिल्वर फॉक्स वाली, इसलिए फटाफट भाई यहाँ से देखते हैं कुछ ग्लू वाल मिलता है नहीं मिलता है। तो फाइनली मेरे को मिल चुका है लेवल 3 का बैग ग्लू वाल। ओ भाई साहब चलो भाई, 3-4 ग्लू वाल तो हो ही गया, 3 ग्लू वाल हो गया और 4 ग्लू वाल यहाँ से हो गया। अब हम लोग फटाक से निकलते हैं यहाँ से और आगे चल कर आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर से हम लोग ग्लू वाल जो दिखता है, और इसकी एबिलिटी में मतलब कुछ ज़्यादा इंक्रीज किया गया या फिर नहीं। तो सेफली आ चुके हैं हम जोन के अंदर, अब ट्राई करेंगे कि हम लोग ग्लू वाल जो स्किन है वो किस तरीके से दिखता है और मतलब कैसा लगता है देखने में। चलो भाई यहाँ से हम लोग आगे चल के थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि यहाँ से ग्लू वाल जो किस तरीके से दिखता है, मतलब देखने में तो बिल्कुल ही अट्रैक्टिव लगेगा, क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, मतलब वीडियो ट्राई करा था बट उसमें वीडियो रिकॉर्ड नहीं। तो फाइनली आप देख पा रहे हैं कुछ इस टाइप से दिखता है। तो भाई साहब कुछ धांसू सा लग रहा, तो बंदी भी देखते हुए तो उसने सोचेगा कि ये ग्लू वाल किस टाइप का है। तो यहाँ से आप देख पा रहे ग्लू वाल की स्किन आपको कुछ इस टाइप का देखने के लिए मिलता है, जो देखने बिल्कुल ही अट्रैक्टिव, बिल्कुल धांसू लग रहा है। तो इतना दिन हम लोग सिंपल से व्हाइट वाला ग्लू वाल मिला था, सब लोग बोला था भाई ग्लू वाल की स्किन आएगा या नहीं आएगा, ग्लू वाल की स्किन आएगा या नहीं आएगा। तो फाइनली आपके सामने ग्लू वाल की स्किन आ चुका है, आप देख सकते ग्लू वाल किस टाइप का है, सबको दिखता है, जो देखने बिल्कुल ही अच्छा लग रहा है। तो यहाँ से मैं आपको इसको फोड़ कर ट्राई करूँगा, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं इधर चारों एंगल से कि किस टाइप का दिखता है। तो सिंपल से अच्छा लगता है, थोड़ा सा बेहतरीन लगता है देखने से, व्हाइट वाले से तो अच्छा ही लगता है। तो व्हाइट वाला देख देख के बोर होंगे इसलिए। तो यहाँ सब देख पर इसका इसमें डैमेज भी थोड़ा सा कम पड़ता है, मतलब उसके मुकाबले में इसमें डैमेज थोड़ा सा कम पड़ता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा डैमेज जो ज़्यादा पड़ता है, इसमें थोड़ा सा कम पड़ता है, वो बहुत ही जल्दी फट जाता है और ये थोड़ा सा लेट से फटता है। मैंने इस बात को खुद से ट्राई किया तो मेरे को समझ में आया कि उसमें और इसमें थोड़ा सा जो है डिफरेंट है, थोड़ा सा अंतर है।
तो फाइनली हम दिखा चुके हैं आपको यहाँ पर से हम लोग को जो न्यू ग्लू वाले उसकी स्किन आपको लेना है या नहीं लेना डिपेंड आप पे करता है। लेकिन उससे पहले आप इलाइट पास देख लीजिए कि आपको इलाइट पास जो किस तरीके से दिखता है। तो मैं आपको उसमें कुछ बताऊंगा नहीं, सिंपली मैं उसके अभी मैं वीडियो क्लिप लगा देता हूँ, आप वहाँ से देख लेना कि आपको जो क्या बोलता है यहाँ पर से इलाइट पास मिलेगा किस तरीके से दिखेगा, उसका जो स्किन मिलेगा किस तरीके से मिलेगी, जो भी बंडल वंडल जो भी कुछ भी मिलेगा आपको किस टाइप का दिखेगा, तो आप वहाँ से देख लो। मैं आपको उतना मतलब डिटेल्स के साथ खोल खोल के नहीं बताऊँगा, आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा। तो वीडियो में आपको इतना से बताना था, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में जो बेल आइकन आएगा उसे प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि फ्री फायर गेम से रिलेटेड जितना भी अपडेट्स या फिर कोई भी इवेंट होता है मैं आप लोगों को डिटेल्स के साथ बताता रहता हूँ। तो वीडियो को देख लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग की लाइट पास किस टाइप का होने वाला है। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading.